ओके, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम क्या करेंगे कि कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 7.2 का कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम कि उसको कैसे सॉल्व करना है. एक क्वेश्चन है, देखो जब इस तरह का क्वेश्चंस आता है ना, इसको कैसे हैंडल करते हैं. टैन ऑफ 10 डिग्री ओके प्लस टैन 35 डिग्री, टैन ऑफ 10 डिग्री प्लस टैन 35 डिग्री प्लस टैन 10 डिग्री एंड 35 डिग्री, 10 डिग्री एंड टैन 35 डिग्री, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 1. सो दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट वर्क विल बी कि शैल बी राइट लाइक दिस, शैल बी शिफ्ट दिस वन दैट साइड. सो वी विल शिफ्ट दिस वन दैट साइड, इट विल कम tan 10 degree minus plus tan 35 degree. The moment you will shift that one that side, it will become 1 minus tan degree into tan 35 degree. अब इतना आने के बाद ना इसको नीचे शिफ्ट कर दो. जैसे इसको नीचे शिफ्ट करोगे, इट इज कमिंग tan 10 degree plus tan 35 degree by 1 minus tan 10 degree into tan 35 degree. Okay, and that will be exactly equal to what? So it is coming as tan of A plus B, 1 minus 2. So directly it will come in the formula as tan plus 35 degree, A plus B. A plus B formula, so it is going to come as tan 45 degree. And tan 45 degree ka value kya hota hai? 1. So yahan pe kya kiya maine? Maine literally yahan pe kuch bhi nahi kiya. Bas ek small change kiya ki yahan pe sabse pehle minus mile jaake niche. Ye formula mein aa gaya. What is the formula here? फॉर्मूला का पार्ट है कि tan ऑफ x प्लस वाई इज नथिंग बट tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y. ओके, 1 माइनस tan x इंटू tan y. सो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ओनली ये रिवर्स पार्ट में मैंने लिखा. पहले मैंने क्या किया, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट किया. द मोमेंट इसको नीचे की तरफ मैंने शिफ्ट किया ना, तो ये 1 था ना, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली गोइंग टू बी व्हाट? सो 1 तो आएगा ही आंसर में, तो 1 पार्ट ही आएगा. तो उसको नीचे ले जा करके सॉल्व करके हमने उसको प्रूव कर दिया कि 1 एंगल कैसे आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी ने दे दिया इस तरह का क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली तो सारा डायरेक्टली फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन है. नाउ अगर किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया, वेट मैं दिखा रही हूँ आपको. बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि थीटा एंड फाई, थीटा और फाई क्या क्या है? थीटा एंड फाई आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. व्हाट दे आर? थीटा एंड फाई आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. थीटा एंड फाई आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स. थीटा एंड फाई क्या है? एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स है. उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि साइन थीटा आ गया 3/5. साइन थीटा का वैल्यू 3/5 गिवन है. साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है. और साइन फाई का वैल्यू, साइन फाई का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है. ठीक है, देन अभी क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव. साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इनको निकालना है. पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव. थर्ड पार्ट व्हाट दे आर टेलिंग दैट कि टैन ऑफ थीटा प्लस फाइव. सो ये तीन वैल्यू तुमको निकालना है अगर थीटा एंड फाई दोनों एक्यूट एंगल्स है. सो ना इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं, बस फॉर्मूला लगाते हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले ट्राइंगल लो और ट्राइंगल से एंगल निकालो. जैसे थीटा, एक एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे थीटा लिख दो, ये 90 डिग्री लिख दो. अब साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है. तो परपेंडिकुलर क्या है? 3. हाइपोटेनस क्या है? 5. इसका मतलब हमको बेस पता करना है. बेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू कम एज 25 माइनस 9. सो इट विल कम एज रूट अंडर 16. सो रूट अंडर 16 मीन्स प्लस माइनस 4, इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू कम. सो नाउ हेयर रूट अंडर 16 पार्ट, बट हेयर वी आर गोइंग टू टेक ओनली प्लस 4. सो 16 पार्ट वी आर गोइंग टू टेक हेयर. सो बेस इज कमिंग एज 4. सो नाउ वी आर गोइंग टू, वी गॉट दिस ट्राइंगल हेयर, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ऑल थ्री वी गॉट. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, साइन फाई इज गिवन. एंड फॉर साइन फाई ट्राइंगल वट इज एग्जैक्टली गिवन दैट कि आर साइन फाई मीन्स परपेंडिकुलर विल बी 5 एंड हाइपोटेनस विल बी 13. सो बेस विल बिकम हेयर वॉट? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 25. सो इट इज कमिंग एज 144. सो
So this is coming as 12. So here base is coming as 12. So now for now here whatever sine theta is coming, now sine theta, cos theta, the shortcut method is whatever they will be needing, we should be ready to say. So sine theta, cos theta and tan theta. At least this three value we must get. So sine theta is exactly coming as sine theta given is 3 by 5. Now what is cos theta? Cos theta means base is coming as 16, 16 minus that is 4. So here cos theta will be 4 by 5. Tan theta will be 3 by 4. Now sin phi. Sin phi already they have given. Sin phi is exactly 5 by 13. Cos phi 12 by 13. Tan phi will be P by B 5 by 12. So now जितना भी फॉर्मूला था वो सारा फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया. अब एक एक करके बस इसका फॉर्मूला लेना है और इसको सॉल्व करना है. पहला वाला पार्ट क्या है? पहला पार्ट दिया हुआ है कि साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव. सो जब साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव दिया हुआ है ना, तो ये क्या जाएगा? साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव आ गया. अब इसमें जितना भी वैल्यू है ना बस उसको पुट कर दो. 3 बाई फाइव देखो, साइन थीटा का वैल्यू 3 बाई फाइव आया, 3 बाई फाइव पुट कर लो. कॉस फाइव का वैल्यू क्या आया? कॉस फाइव का वैल्यू 12 बाई 13 आया. ना प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 4 बाई फाइव. ना साइन फाइव का वैल्यू कितना है? साइन फाइव का वैल्यू 5 बाई 13. सो ना अब इसको सीधे सीधे डायरेक्टली इसको आंसर में लेके आते हैं. ये आ गया 36 बाई 65 प्लस 20 बाई 65. सो इट इज गोइंग टू कम 56 बाई 65 ओवर 6 विल बी रिटर्न 3 प्लस 2 5. सो 56 बाई 65 कमिंग. इसी तरह से तुमको कुछ नहीं करना है उसमें. cos 5 cos थीटा माइनस 5 का फॉर्मूला, cos थीटा माइनस 5, क्योंकि सारा वैल्यू तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल लिया. तो cos थीटा बाई 5 मीन्स cos थीटा इंटू cos 5, cos 5 माइनस sin थीटा, सॉरी प्लस sin थीटा इंटू sin 5. अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालना है. sin थीटा cos थीटा का वैल्यू डालना. उसी तरह से tan ऑफ थीटा माइनस 5, बिकॉज ऑल जितना भी वैल्यू है मैंने यहाँ पे दे दिया, बस बेस्ड ऑन दैट ओनली यू हैव टू सॉल्व. सो हियर cos थीटा cos 5, सो cos थीटा इज 4 बाई 5, cos 5 इज 12 बाई 13. सो 4 बाई 5 12 बाई 13, 4 by 5, 12 by 13 is there. Now sin theta sin 5, so 3 by 5, 3 by 5, 5 by 13 is there. Okay, 4 by 5, sin cos theta cos 5, cos theta is exactly 4 by 5, cos 5 is 12 by 13. Okay, cos 5 is 12 by 13. So now what we are going to do, this will become 48, 4 2 is 8, 4 1 is 4, 48 by 65 plus 15 by 65. So it is coming 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 63 by 65 is coming. So like this also you can solve and get the answer. Now tan theta minus 5, agar sab kisi ne bhi bol diya ki tan theta minus 5, to wahan pe bhi tan ka bhi value rakha hua hai. That is tan theta minus tan 5 by 1 plus tan theta into tan 5. सो टैन थीटा इंटू टैन फाइव. अब जहाँ जहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू पुट करना है, टैन फाइव का वैल्यू पुट करना है, उसको डाल करके उसका आंसर चेक कीजिए. आराम से आंसर सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा, बस उसको आपको वैल्यू अच्छे से इम्प्लीमेंट करके डालना है और सॉल्व करना है. अब अभी इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जैसे कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शो दैट show that sine of a plus a minus b by cos a cos b plus sine of b minus c cos b cos c plus sine of c minus a cos c cos a, this will be equal to what? Your options will be, they will be giving options as 1, minus 1, 0, 2. So if these options are given, then what we have to do? What answer we are going to get? So sin A cos B, so first formula write sin A cos B minus cos A sin B
बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बाई कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए बाई कॉस सी कॉस ए. सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज मीन्स दिस टाइप ऑफ कंटेंट. ना इसको सेग्रीगेट कर दो आंसर आ जाएगा. तो अब इसको जस्ट ये ऐसा लिख सकते हैं ए बाई बी बाई सी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई सी माइनस बी बाई सी ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर में ए माइनस बी बाई सी है. तो यहाँ पे भी हम उसको वैसे ही लिखेंगे. एक लास्ट स्टेप ही बचा हुआ है साइन ए कॉस बी. अब डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए कॉस बी. ओके अब यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन बी इज देयर. सो कॉस ए कॉस बी इज देयर. नाउ प्लस साइन बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी कॉस बी कॉस सी साइन सी कॉस ए कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए कॉस सी साइन ए बाई कॉस सी कॉस ए. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आंसर इज एग्जैक्टली गोइंग टू. फर्स्ट तो वी विल कैंसिल विच एवर इज कमिंग कॉमन. जो भी कॉमन है उसको हटाओ पहले. कॉस बी गया कॉस ए गया कॉस सी गया कॉस बी गया कॉस ए गया कॉस सी गया. अब बचा क्या, बचा है टैन ए माइनस टैन बी प्लस टैन बी माइनस टैन सी प्लस